हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ केक की रेसिपी। आज हम लोग जो केक बनाएंगे वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, और यकीन मानिए जो केक था बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी था ये केक। और आज हम जो ये केक है ये टूटे फूटे बिस्किटों से बनाएंगे। सबके घरों में जो बिस्किट होते हैं वो टूटे हुए मिल जाते हैं लास्ट में, या फिर अगर हम कभी सामान लेकर के आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो बिस्किट होते हैं वो टूटे हुए रहते हैं। तो आज मैं 3 बिस्किटों को मिक्स करके ये केक बनाऊंगी, पार्ले जी, मैरी गोल्ड और ये ओरियो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन बिस्किटों को पीस लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हम पीसेंगे, एक बार में नहीं पीसेंगे। और इसमें से बहुत से बिस्किट ऐसे हैं जो बरसात की वजह से बिस्किट बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, तो वो जो बिस्किट हैं वो भी केक बनाने में यूज़ हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए मैंने सभी बिस्किट को पीस लिया है, उसका मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले पाउडर शुगर, और शुगर को मैंने घर पर ही पीस लिया है। और शुगर इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगी क्योंकि जो बिस्किट है उसमें ऑलरेडी मिठास होती है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप शुगर लिया है, 1/2 कप से थोड़ा सा भी मैं थोड़ा सा जो शुगर है वो बचा लूँगी। और शुगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें दूध। दूध को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और चीनी की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। दूध डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा ही रखेंगे। जो बचा हुआ दूध उसे भी डाल देंगे। दूध को मिक्स करने के बाद इस बिस्किट के बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि अगर थोड़ा मोड़ा अगर बिस्किट का टुकड़ा रह गया होगा तो वो इसमें पिघल जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्टील का बर्तन लिया है चाय बनाने वाला, और इसमें अच्छे से मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। मैं यहाँ पर बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बस इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देना है ताकि जो केक है वो इसमें चिपकने ना पाए। और मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, और केक में मैंने कोई भी घी या ऑयल का यूज़ नहीं किया है। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, जो बैटर है थोड़ा सा फूल गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जो दूध था मैंने पूरा यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून दूध और लिया है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है केक बनाने के लिए। बस बैटर को इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो जो केक होगा वो फूलेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए केक का बैटर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, कुकिंग सोडा जो भी आप बोलते हो, और उतना ही मैं यूज़ करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप इसकी जगह पे आप इन दोनों को स्किप करके इसकी जगह पे इनो भी डाल सकते हैं, इनो से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस केक में। मैंने एक बार इनो बना के भी ट्राई किया था तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था, टेस्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ता इनो डालने से। तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो डाल के भी इस केक को बना सकते हैं। अब डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे फटाफट फिर से जो बर्तन हमारा है स्टील का उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर हमेशा लास्ट में ही डालते हैं। अब इसको अच्छे से दम मिक्स कर लेना है। ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है, इसको फटाफट हम केक के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे सारा बैटर। ये देखिए अब बर्तन को हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल वगैरह ना रहे। अच्छे से इसको टैप करेंगे ताकि ऊपर से बिल्कुल ये बराबर हो जाए। और आप चाहे तो आप इसी समय इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। मैंने यहाँ कढ़ाई पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें मैंने नमक डाल दिया था, और कढ़ाई को मैंने टोटल 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। और देखिए इस नमक का कलर इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि मैंने इसे पहले भी कई बार बेकिंग में यूज़ किया है, इसलिए नमक का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसमें मैं एक स्टैंड रखूँगी,
स्टैंड रखने के बाद केक का जो बर्तन है वो उसमें हम रख देंगे और केक को ढक देंगे। ढक करके मैंने इसको 15 से 20 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया था। फिर इसके बाद मैंने जो फ्लेम था बिल्कुल लो कर दिया था। मैंने इसे लो फ्लेम पर टोटल 45 मिनट्स के लिए मैंने इसे बेक किया है। अब कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे। ये देखिए केक बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है। अब एक नाइफ़ डालेंगे और डाल के चेक करेंगे केक कच्चा तो नहीं है। देखिए केक बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। केक को मैंने टोटल 45 मिनट्स के मैंने इसको बेक किया है और बीच में मैंने इसको 2 से 3 बार चेक किया था। तो केक को निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए केक को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, ठंडा हो जाए उसके बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब एक नाइफ़ लेंगे और उसके किनारों पूरी तरीके से स्क्रैच कर देंगे और एक प्लेट लेंगे और उसको बर्तन के ऊपर रख करके इसको उल्टा करेंगे। देखो इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और ये देखिए केक बिल्कुल आराम से निकल आया और केक बिल्कुल भी नहीं लगा है बर्तन में। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये, और हमने बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया था। और ये देखिए जो केक है बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्पॉन्जी है ये। और हमने यहाँ पे ना घी यूज़ किया है ना तेल यूज़ किया है, उसके बावजूद भी केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो केक है वो बन के रेडी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के रेडी कर सकते हैं। उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अमेजिंग आया है। अब मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ। कट करने से ही पता चल जाएगा आपको कि केक कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। और अभी हल्का सा ये गर्म है क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इससे मैंने इसको फटाफट डिमोल्ड कर लिया। जब ये हल्का सा ठंडा हुआ तभी मैंने इसको डिमोल्ड कर लिया। और ये देखिए अभी भी हल्का हल्का ये गर्म है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आप लोग भी इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को एक केक की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को केक की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।